नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र और आप देख रहे हैं टेक्निकल राही। दोस्तों कल मैंने खरीदा लेनोवो योगा 520 नोटबुक, जिस लैपटॉप भी कह सकते हैं। दोस्तों मैं इसको आपको दिखाता हूं कि क्या क्या इसमें फीचर्स हैं। दोस्तों ये है योगा 520 लेनोवो का लैपटॉप जो मैंने कल खरीदा है करीब 56,000 रुपये का। दोस्तों ये टच स्क्रीन लैपटॉप है जिसमें i3 8th जनरेशन का प्रोसेसर है, 14 इंच के फुल HD 2-in-1 टच स्क्रीन है। इसके साथ मेरे को इसमें मिला है 4GB का रैम, 1TB की हार्ड डिस्क और 2GB का ग्राफिक्स कार्ड। दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा है, जो इसका मॉडल नंबर आपको दिख रहा है, ये इसका टच पैड है जो कि इसमें साथ फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है आपको। 8th जनरेशन का i3 प्रोसेसर इसमें मिला है, साथ इसमें मुझको मिली है विंडोज़ 10 जिसकी मुझे लाइफ टाइम वैलिडिटी मिली है, फुल लाइसेंस है। दोस्तों इसमें फुल HD है ये, 1920x1080। और दोस्तों इसका वेट है 1.7 kg। और इसकी सबसे खास बात ये है कि ये 360 डिग्री रोटेट भी होता है। दोस्तों इसको हम रोटेट करके इसको हम टैबलेट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। कंपनी ने बताई है कि मुझे इसकी जो बैटरी है वो करीब 9 घंटे चलेगी। अब देखते हैं, वो तो यूज करने के बाद ही पता चलेगा कि इसकी बैटरी कितनी चलती है। दोस्तों इसमें मुझे मिला है 3.0 जो USB पोर्ट है, लेकिन इसमें आपको एक बात बता दूं कि इसमें मुझे DVD पोर्ट नहीं मिला है। इसी के साथ मुझको इसमें जो आपका आप LAN के लिए जो वायर यूज करते हैं तो LAN पोर्ट नहीं मिला है इसमें, लेकिन गजब की आवाज़ मिली है, हरमन का स्पीकर मिला है। दोस्तों इसमें जो इंटेल कोर का i3-8130U प्रोसेसर है, प्रोसेसर स्पीड 3.4 GHz है। साथ ही अगर मेमोरी टेक्नोलॉजी की बात करें तो डबल डेटा रैम जिसे DDR बोलते हैं, DDR4 है। दोस्तों इसमें दो USB 3.0 पोर्ट हैं, 1 HDMI पोर्ट है, 1 ऑडियो पोर्ट है। दोस्तों मैंने इसे ऑनलाइन नहीं खरीदा है, मैंने इसे मार्केट से खरीदा है। इसमें आपको लैन का जो पोर्ट नहीं मिलता, इसलिए इसमें वाईफाई से ही आप नेट यूज कर सकते हैं। मैंने इसको वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है, वाईफाई से इसमें गजब की स्पीड आती है। हालांकि स्पीड तो आपके नेट कनेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। आप देख सकते हैं कि मैं यूट्यूब में ब्राउजिंग कर रहा हूँ, अपने चैनल को मैंने सर्च किया, अपने चैनल को सर्च करने के बाद मेरा चैनल इसमें शो हो रहा है टेक्निकल राही। तो दोस्तों आप टेक्निकल राही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसके साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसे दबाइए, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं टेक्नोलॉजी से संबंधित या बैंकिंग फाइनेंस से संबंधित तो आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों आपको दिख रहा है कि टेक्निकल राही मैंने इसमें सर्च किया है, मैं इसमें बस ऐसे ही फीचर्स यूज कर करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने इसको टैबलेट मोड के रूप में भी यूज किया है और मैं इसको लैपटॉप के रूप में भी यूज कर रहा हूँ। तो मैंने इसको जैसे ही आपको फोल्ड करके दिखाया कि किस तरीके से आप इसको टैबलेट के रूप में भी यूज कर सकते हैं, इसको फोल्ड कर लीजिए आप, तो फिर आप पूरा काम टच स्क्रीन से कर पाएंगे। जब आप इसको लैपटॉप के यूज रूप में इस्तेमाल करेंगे तो आप यहाँ पर जो कीपैड है उसका इस्तेमाल करके कर सकते हैं। दोस्तों ये है एक्टिव पेन, इस पेन से आप यहाँ पर स्क्रीन पर टच कर सकते हैं, चाहे तो आप अपने फिंगर से टच कर सकते हैं या इस पेन से भी टच कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही गजब एक्सपीरियंस है इस पेन का, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये पेन। उंगली जितना आप वो अपने फिंगर से टच करते हैं उसमें इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं आता, स्मूथ जो टच है वो इससे पेन से मिलता है। दोस्तों गजब का टच मिलता है। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मैंने हालांकि इसको ज़्यादा यूज किया नहीं है अभी तक, 2-in-1 डिस्प्ले इसमें मिलती है। आप एक डिस्प्ले पर दो काम कर सकते हैं, आधा काम एक डिस्प्ले पर और दूसरा काम कर रहे हो तो कोई वो दूसरे डिस्प्ले पर कर सकते हैं। ये मैं 3D पेंटिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि मैंने कल ही खरीदा है तो मैंने इसमें कुछ ज़्यादा कुछ यूज किया नहीं है, मैं बस पहली बार इसको यूज कर रहा हूँ आप सबके सामने। ये मैंने अपना नाम लिखा 3D पेंटिंग बनाने के बाद, वो मैंने हटा दिया है, देख सकते हैं। दोस्तों ये जो पेन है बहुत ही अच्छा है, इसी के साथ आया है। दोस्तों ये ऐसी सीरीज है इसके साथ की, मैं अभी ऐसे ही इसमें कोई भी आइकन खोल खोल के देख रहा हूँ कि इसमें क्या क्या आया है। हालांकि मुझको विंडोज़ 10 का लाइसेंस मिला है लाइफ टाइम का, क्योंकि दोस्तों करीब 56,000 का ही पड़ा है, ये मार्केट से लिया है। लेकिन इस लैपटॉप का ड्रॉबैक आप मान सकते हैं, हालांकि इसको ड्रॉबैक नहीं कह सकते क्योंकि अभी DVD का ज़माना है भी नहीं, तो DVD राइटर इसमें नहीं मिला है, DVD का पोर्ट ही नहीं है, साथ ही LAN पोर्ट नहीं है क्योंकि आजकल सब वाईफाई से चलता है तो LAN केबल से कोई चलाता नहीं है। तो दोस्तों आप देखते हैं इसकी आवाज़ कैसी आती है, इसमें हरमन का स्पीकर मिला है डॉल्बी साउंड के साथ, तो देखते हैं देखिए स्पीकर किस तरीके से काम करता है। मैं इसमें अपना चैनल सर्च करता हूँ, उसकी एक वीडियो चलाता हूँ, तब आपको दिखाता हूँ कि इसमें जो इसका स्पीकर है वो किस तरीके का मिलता है। मुझे इसकी आवाज़ काफ़ी तेज़ लगी, मेरे पास पहले से एक लैपटॉप है जो कि है HP का, उसकी आवाज़ मुझे इतनी नहीं लगी। तो मेरा नाम है रविंद्र और आप देख रहे हैं टेक्निकल राही। दोस्तों आज की वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से घर बैठे हुए ही बैंक में अपनी FD कर सकते हैं, उसे ब्रेक कर सकते हैं और पैसा ATM के थ्रू निकाल सकते हैं।
तो दोस्तों आपने सुना किस तरीके से इसमें आवाज़ बहुत ही साउंड, बहुत ही तेज़ आवाज़ आती है, जिसको मैंने अभी कंट्रोल करके दिखाया आपको, कम करके तेज़ करके। काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है, फुल एचडी डिस्प्ले है। काफ़ी मेरा जो पहला एक्सपीरियंस रहा है इस लैपटॉप के साथ वो काफ़ी अच्छा रहा है। काफ़ी अच्छी टच स्क्रीन है, काफ़ी स्मूथ टच है। हालांकि शुरू शुरू में जब इसमें चालू किया तो प्रोसेसिंग में, जो शुरू में इसको स्टार्ट होने में 1-2 सेकंड का टाइम लगता है, मैंने जल्दी जल्दी बटन दबा दिए तो इसकी वजह से थोड़ा टाइम लैग हुआ था। हालांकि उसके बाद काफ़ी अच्छा, इसने बिल्कुल इसमें टाइम लैग नहीं होता, क्लिक करते ही सारे आइकन काम करते हैं, सारे कुछ सब कुछ तुरंत खुल जाता है। तो दोस्तों बस मैंने इतना ही इस्तेमाल किया है आज इस लैपटॉप को। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।